अभी बताइए, चैंपियंस ट्रॉफी को भारत खेलने के लिए जाना चाहिए कि नहीं पाकिस्तान? सभी क्रिकेट प्रेमियों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आया हूँ प्रयागराज, संगम की धरती, संगम का स्थान, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का यहाँ पर त्रिवेणी है। और वहीं पर मैं आया हूँ चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। यहाँ पर आज मेरा पहला मीटअप है भाई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ कुछ यार दोस्त मुझके मिलने के लिए आए हैं। और यहाँ पर आने के बाद व्यक्तिगत रूप में इन सब से मिलूंगा, ये सब मुझे जानेंगे और खेल के बारे में थोड़ा बहुत सारी बातें होने वाली हैं। वैसे इस समय इंडिया श्रीलंका का टूर्नामेंट हो रहा है, उसके बारे में हम सब बात करेंगे और IPL के भी बारे में बात करेंगे और इन भाई लोगों के कौन से फेवरेट खिलाड़ी हैं, कहाँ किसको पसंद करते हैं, वो भी बात करेंगे। पहले मैं इंट्रो करा ले रहा हूँ, कहाँ भाई कौन से लोग कहाँ से आएँ ये तो जानना जरूरी है भाई। हाँ अफशेक भाई, सबका नाम तो मुझे पता हो गया क्योंकि मैंने सबका नाम। अफशेक भाई, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं झूसी का रहने वाला हूँ। झूसी के रहने वाला हूँ। आप सीएम भाई कहाँ से आए हो? यहीं से रहते हैं आप भाई? कुलदीप भाई, ये मनोरी एयरफोर्स, मनोरी एयरफोर्स। देखो मुझे सबका नाम पता हो गया। प्रदीप भाई मुझसे कल भी मिलने के लिए आए थे और मलाका साइड, मलाका से यहाँ पर आए हैं। बाकी चलिए क्रिकेट की बातें शुरू करते हैं भाई। क्रिकेट के सारे शौकीन हैं पूरे इंडिया, सबसे ज्यादा फैन किसी के हैं तो वो क्रिकेट के हैं। क्रिकेट को आपको हर जगह प्रेमी मिल जाएंगे, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, कोई भी कंट्री हो। जो अब इस बार T20 वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें कम से कम 20 कंट्रियों ने तो पार्टिसिपेट किया। बाकी जिम्बाब्वे जैसी अच्छी टीमें हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी, क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। बाकी बहुत सारी कंट्रियों में क्रिकेट खेला जाता है और क्रिकेट का स्कोप बढ़ता जा रहा है, इंडिया में नहीं बल्कि अदर कंट्रियों में, बल्कि अब तो ओलंपिक में भी इसको हिस्सा मिल गया है, शुरुआत इसकी हो गई है। फिलहाल क्रिकेट का बढ़ता जा रहा है। चलिए भाई मैं बात करता हूँ। वैसे आज पहला मैच होने जा रहा है, श्रीलंका वर्सेस इंडिया के बीच मुकाबला होने जा रहा है। पूरी टीमें चेंज हो गई हैं श्रीलंका के दौरे में। सबसे पहले भाई गौतम गंभीर को बधाई देना चाहता हूँ। गौतम गंभीर भारतीय टीम के नए हेड कोच बन गए हैं। अब भाई खोजबीन तो जारी है कि हाँ बॉलिंग कोच कौन होगा या फील्डिंग कोच कौन होगा। वैसे गौतम गंभीर ने दो नाम रखे थे, एक बॉलिंग कोच के लिए तो भाई विनय कुमार का नाम रखा था जिसको BCCI ने खारिज कर दिया था। फील्डिंग कोच के लिए जो लखनऊ सुपर जायंट भाई जन्मदिन है जॉन्टी रोड्स का, तो भाई उसके लिए भाई जॉन्टी रोड्स को हैप्पी बर्थडे। जॉन्टी रोड्स वर्ल्ड के नंबर वन फील्डिंग कोच हैं। देखो अपने इंडिया में जो फील्डर हैं जैसे मोहम्मद कैफ हो गए, बेस्ट फील्डर हैं, युवराज सिंह हो गए, सुरेश रैना हो गए, बेस्ट फील्डर हैं। फील्डर होना एक अलग बात है, एक फील्डर कोच होना अलग बात है। कैफ भी इलाहाबाद के रहने वाले हैं, यहीं के रहने वाले हैं कैफ भाई। उस समय तो भाई बहुत अच्छे फील्डर थे और एक समय ऐसा था कि युवराज सिंह के साथ जो इंग्लैंड के साथ मैच जिताया था वो भी व्यापारी आपकी याद होगी। तो मोहम्मद कैफ बहुत बड़े फील्डर हैं, साथ में सुरेश रैना हो गए, युवराज सिंह हो गए। लेकिन कोच के बारे में जहाँ बात आती है भाई, जॉन्टी रोड्स का आज बर्थडे है भाई, वर्ल्ड के बेस्ट फील्डिंग कोच है, तो भाई हैप्पी बर्थडे भाई जॉन्टी रोड्स को। तो उसका भी नाम गौतम गंभीर ने प्रेफर किया था BCCI को, तो उसको भी BCCI ने खारिज कर दिया था। BCCI ने ये बोला था कि हाँ कोई भारतीय फील्डिंग कोच, कोई बॉलिंग कोच होना चाहिए। तो BCCI की तरफ से जहीर खान और लक्ष्मण पति बालाजी का नाम रिकमेंड किया गया था, जिसमें अभी कोई सामने नहीं आया। वैसे जहीर खान आगे चल रहे हैं फील्डिंग कोच में, अभी ये नहीं सामने आया कि हाँ किसको मौका मिल सकता है। कब जो मैच होने जा रहा है इसमें नई कप्तानी मिली है T20 के लिए। ODI और टेस्ट के लिए तो भाई रोहित शर्मा कप्तान रहेंगे ही, लेकिन T20 के लिए भाई सूर्य कुमार यादव को मौका मिला है। और सूर्य कुमार यादव भाई कहीं दूर के नहीं हैं, ये इलाहाबाद के बगल भाई यहीं से कुछ दूर पर है गाजीपुर के रहने वाले हैं। वो भी भाई अपना UP का शहर है, उसको भी मौका मिल गया भारतीय टीम T20 के कमान संभालने के लिए। पहला मैच है उसके आज कप्तानी के रूप में, देखना है कितना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। वैसे लोग ये बोल रहे थे कि हार्दिक पांड्या भारत के कप्तान होंगे जिस तरह से वाइस कप्तान थे, लेकिन BCCI ने और गौतम गंभीर ने और अजीत अगरकर चीफ सिलेक्टर हैं, इन सबकी पसंद कहीं ना कहीं थे भाई सूर्य कुमार यादव। तो सूर्य कुमार यादव को भारत का कप्तान बनाया गया T20 का। बाकी ODI टेस्ट के लिए तो रोहित शर्मा भाई कप्तानी कर ही रहे हैं अभी, तो 2026 में T20, अभी अगले साल तो चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान में, वहाँ पर इंडिया खेलने जाएगी। अभी बताइए, चैंपियंस ट्रॉफी को भारत खेलने के लिए जाना चाहिए कि नहीं पाकिस्तान? नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान, नहीं जाना चाहिए। अरे इतना सीज वो होता है, सुरक्षा आतंकी हमला होता है भाई। देखो वहाँ पर क्या है कि हमारे भाई प्लेयर भी यही बोलते हैं और हमारे देश के जो उच्च स्थानीय पद पर बैठे हुए हैं वो भी बोलते हैं कि हमारी देश की सेना से बढ़कर क्रिकेट नहीं है। सीमा उस पार से हमले होते रहेंगे तो भाई क्रिकेट लगातार वहाँ पर हम जाके नहीं खेल सकते हैं और इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होता है। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपने फील्ड में लगभग 17 अरब रुपये खर्च किए हैं कि हाँ कि चैंपियंस ट्रॉफी कोई हो, क्योंकि बहुत दिन से वहाँ पर कोई बड़ा लीग हुआ है नहीं। भारत वैसे वहाँ पर जाने वाला है नहीं, क्योंकि भारत अगर देखा जाए क्रिकेट में तो सबसे बड़ा BCCI बोर्ड है, सबसे बड़ा। अगर BCCI ने मना कर दिया कि मैं ये नहीं करूँगा तो ICC की हिम्मत नहीं है कि हाँ वो उसको टाल दे। अगर भारत ये बोल देगा मैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाऊँगा तो उसको भाई ICC नहीं नकार सकता। ICC ने देखो जो बाई लैंग्वेज सीरीज होती हैं, जैसे दो देशों के बीच में मुकाबला होता है, जैसे भारत श्रीलंका का मैच हो रहा है तो श्रीलंका बोर्ड और BCCI भारत का बोर्ड दो मिलकर वो क्रिकेट कर रहे हैं।
इसमें दो ही का हाथ है, इसमें आईसीसी का हाथ नहीं है, जो दो मैच दो दो सौ का सीरीज होता है। लेकिन जो पार्टिकुलर होता है, जैसे कोई चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप हो गया, जैसे एशिया कप हो गया, इस तरह से हो गया, ऐसे सीरीज हो गया, ऐसे कुछ होते हैं जो आईसीसी करती है। तो जैसे अभी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप हुआ था अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में, उसको ऑर्गेनाइज किया आईसीसी के द्वारा हुआ था। अब सोचो कि आईसीसी अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप कराया था, उसमें आईसीसी को 160 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है। रीज़न क्या था कि सही प्लेस ना सेलेक्ट करना। अमेरिका में क्रिकेट कराया जहाँ पर क्रिकेट का क्रेज है ही नहीं, वहाँ क्रेज भी नहीं है, और वहाँ पे पहली बात तो सुविधाएं उस तरह की भी नहीं थी। 100 दिन के अंदर स्टेडियम तैयार किया गया था, पहली बात तो वहाँ पे बारिश होने लगी थी। ऐसे जगह कराना चाहिए जहाँ पे मौसम अच्छा हो। अच्छा, और उसके बाद वहाँ पर देखने लायक बने, फील्डिंग वहाँ पर बॉलिंग पिच बना दिए थे, इस तरह से गेंद टिप पड़ने के बाद कहाँ पर जाती थी, पिच इतना धीमा था कि बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे थे। 200 रन वेस्ट इंडीज मैच होता था, 200 रन तो बन जाते थे। अमेरिका में वही मैच होता था तो वहाँ पर तो भाई 130 रन कोई बना ले, 40 रन बना ले, बहुत बड़ी बड़ी बात होती थी। जब किंग कोहली नहीं खेल पा रहा था वहाँ पर, तो फिर कोहली अपना किंग, उससे अच्छा यूएई में करा देते, वो सही रहता है। यूएई में तो हाँ सही रहता है, वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। तो यही कारण था, देखो आईसीसी को टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में 160 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अगर भारत बोल देगा कि मैं पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाऊँगा, तो आईसीसी का दोबारा लॉस हो जाएगा। बीसीसीआई जो बोलेगा आईसीसी उसको करेगा। भारत का सीरीज चाहे श्रीलंका में हो पाकिस्तान के साथ, या फिर जाके दुबई में हो, लेकिन पाकिस्तान तो भारत खेलने के लिए नहीं जाना चाहिए। ये पाकिस्तान वाले ये बोल रहे हैं कि भाई इंडिया है तो मैं तो आपकी बहुत अच्छी मेजबानी करूँगा, तो आप क्या बोल रहे हैं उसके लिए बताइए। देखिए, अगर वहाँ की सुरक्षा एजेंसियाँ अगर जिम्मा लें तो जा सकता है भारत, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या आप पाकिस्तान के ऊपर आँख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं? भरोसा वहाँ कर सकते हैं, क्रिकेटर पे कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जो वहाँ पे आतंकवादियाँ जो रहते हैं, एक बार वहाँ पे श्रीलंका गई 2009 में, वहाँ पे उनकी गाड़ियों पे काफिला चलते हुए लोगों आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, उसमें कई खिलाड़ी श्रीलंका के चोटिल हो गए थे, कुछ कोचों को गोली लग गई थी बाह में, इसीलिए कोई अब वहाँ जाने के लिए राजी नहीं होता, रिस्क नहीं लेता। पहले भारतीय टीम भी वहाँ पर जाती थी खेलने के लिए, लेकिन फिर बाईलैंगुअल सीरीज होना बंद हो गया। उसके बाद भाई जो आईसीसी के मैच होते हैं वो तो भारत खेलेगा ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि वह सारे पूरे वर्ल्ड की टीमें रहती हैं, उसको तो मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जिस तरह से श्रीलंका के साथ हमला हुआ था बस पे, वहाँ पर घायल हो गए थे श्रीलंकाई प्लेयर, हो क्या गारंटी? वहाँ पर देखो जो मैच होता है ना, वहाँ पर दर्शक भी घुस जाते हैं बहुत सारे बदतमीजी करने के लिए, ग्राउंड के अंदर घुस जाते हैं। और सबसे बड़ी क्या है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, वहाँ की आर्मी खुद उसको चलाती है, वहाँ पर केवल नाम मात्र की पार्टी बनी रहती है। तो वहाँ की तो भाई पूरी आर्मी ही, वही आर्मी पाकिस्तानी आर्मी जो है वही पूरी सेना, तो वो देश को देखती है, वही उन्हीं के माध्यम से आतंकवादियों को भी ट्रेंड किया जाता है। और ऐसा नहीं खिलाड़ियों को, देखो खिलाड़ी के ऊपर तो भाई विश्वास किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। हर कंट्री में अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह रहते हैं, पाकिस्तान में भी अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है। 90% लोग पाकिस्तान में अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। 10% लोग ऐसे हैं जो हाँ जिनका दिमाग थोड़ा कम सही है, वो टेररिस्ट टाइप के हैं, उनकी वजह से अगर 1% लोग भी इस तरह से हो जाते हैं तो वहाँ पर मैच होना पॉसिबल है नहीं। कोई भी हमला कर सकता है, कोई भी अटैक कर सकता है, किसके ऊपर क्या हो रहा है। आज देख रहे हैं जिस तरह से अभी भी श्रीनगर में देख रहे हैं हमला हो रहा है, सीमा उस पार से घुसपैठ के भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के द्वारा, पाकिस्तान आर्मी उनको ट्रेन करके भेज रही है। तो भाई भारत को तो नहीं जाना चाहिए कभी खेलने के लिए, और भारत कभी जाएगा नहीं। वहाँ की सरकार पहली बात तो नहीं लेगी, सरकार वहाँ पर खुद ही सुरक्षित नहीं रहती है। पाकिस्तान में कोई सरकार बनती है तो अगर एक समय ऐसा आ जाता है, इमरान खान वहाँ के प्रधानमंत्री थे, जब वो खुद ही नहीं संभल पाए तो वो आने वाले, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जो हो, वहाँ पर इमरान खान खुद ही एक क्रिकेटर थे, क्रिकेटर नहीं, बहुत अच्छे बेस्ट वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर में से एक नाम आता है इमरान खान का। और पाकिस्तान में एक तो ऐसा देखा जाए कि पाकिस्तान की बैटिंग तो वहाँ पर थोड़ा कम अच्छी रहती है, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए भाई जाने जाते हैं वहाँ पर, एक से एक बढ़कर बॉलर हमेशा आए पाकिस्तान ने दिया है। और बल्कि जो इस समय हो सकता है कि हाँ एक बॉलिंग कोच है पाकिस्तान के, मोनी मर्कल भाई लखनऊ सुपर जायंट्स के भी कोच हैं इस समय। तो भाई भारत के लिए अगर वो बॉलिंग के असिस्टेंट कोच हो जाए तो इससे अच्छा क्या है, हो सकता है भाई पाकिस्तान को छोड़कर वो आए भी। और गौतम गंभीर ने बीसीसीआई को ये दिया था कि हाँ मोनी मर्कल होने चाहिए भारत के बॉलिंग कोच, तो भाई बीसीसीआई ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है असिस्टेंट कोच के लिए। तो हो सकता है भाई मोनी मर्कल अगले बांग्लादेश के साथ जो सीरीज होने जा रही है उसमें हो सकता है दिखें। आपके हिसाब से भारत के में बॉलिंग कोच किसे होना चाहिए? भारत में भी बहुत सारे अच्छे फील्डर हैं,
बहुत सारे अच्छे बॉलर हैं, तो बॉलिंग कोच भारत में जो असिस्टेंट कोच कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अगर चयन हो तो लक्ष्मीपति बालाजी का। बालाजी, जहीर खान और बालाजी में आपको बालाजी को रिकमेंड करेंगे? बालाजी को। अब ये बताओ फील्डिंग कोच में आपको इसको रिकमेंड करेंगे? हाँ, जैसे जॉन्टी रोड्स को तो रिकमेंड किया था, बेस्ट फील्डिंग कोच हैं, लेकिन बीसीसीआई ने उसको खारिज कर दिया था। आपके हिसाब से भाई कौन कोच होना चाहिए कि हाँ मोहम्मद कैफ, मोहम्मद कैफ को बॉलिंग कोच होना चाहिए आपके? फील्डिंग कोच, फील्डिंग कोच आपके हिसाब से होना चाहिए। अब वैसे बैटिंग के लिए तो भाई गौतम गंभीर एज ए कोच हैं ही फिलहाल इस समय, जो बॉलिंग कोच के लिए जहीर खान, जहीर खान को आप रिकमेंड करते हैं? बॉलिंग के लिए किसको रिकमेंड? जहीर खान को, जहीर खान के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। बाकी आज का मैच होने जा रहा है, इस बार जो आज इंडिया श्रीलंका का मैच है, देखो अच्छा ये बताइए, एक सबसे बड़ा ये मुद्दा है कि भाई देखो भारतीय टीम में ओपनर इस समय टी20 के लिए बेस्ट कौन से हैं, आप बताएंगे? आप बताएंगे, बताने दीजिए उनको। जायसवाल और अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा टी20 के इस समय बेस्ट ओपनर हैं, लेकिन बीसीसीआई सुमन गिल को क्या उप कप्तान बनाकर सही किया है? सही किया, आने वाली जनरेशन में भी उनकी एज क्या है। जैसे हार्दिक पांड्या उप कप्तान थे, बीसीसीआई ने उनको ये रीजन दिया कि हाँ ये इंजर्ड रहते हैं, सभी लोग ये सोच रहे थे कि हाँ हार्दिक पांड्या भारत के टी20 के कप्तान होंगे, लेकिन उनको कप्तान क्या वाइस कप्तान से भी हटा दिया गया। वैसे वाइस कप्तान के ऊपर उतना लोड होता है नहीं, जैसे हार्दिक पांड्या को उप कप्तान ही बने रहने देने रहने चाहिए था, या ऋषभ पंत ऑप्शन में थे, या ऋतुराज गायकवाड़ का भाई सुमन गिल से अच्छा स्ट्राइक रेट है, तो क्या बीसीसीआई ने जो सुमन गिल को बनाया है उप कप्तान क्या आपके हिसाब से सही है? वो सही है मेरे हिसाब से, जैसे पहले गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग करते थे तो सहवाग तेजी से खेलते थे और गौतम गंभीर मतलब खेलते थे, ऐसा लगता था कि मतलब दोनों साथ खेले, लेकिन एक का स्ट्राइक रेट ज़्यादा हमेशा ही रहता था, तो मेरे हिसाब से यशस्वी जायसवाल और सुमन गिल एकदम बेस्ट ओपनिंग। और ये आपके हिसाब से अभिषेक शर्मा यशस्वी जायसवाल ये कैसा? ये पिच की परिस्थितियों से बनाया जाएगा, जहाँ बैटिंग पिच है वहाँ अगर चयन होता है तो अभिषेक शर्मा यशस्वी जायसवाल दोनों को ओपनिंग कराया जाए। हैदराबाद का मैच होता था, देखो एडम गिलक्रिस्ट मैथ्यू हेडन दोनों लेफ्टी बैट्समैन हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करने के लिए जाते थे, दोनों लेफ्ट बैट्समैन हैं। सनराइजर हैदराबाद के लिए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों बल्लेबाजी करने के लिए जाते थे, ये दोनों ऐसे बैट्समैन थे कि हाँ वहाँ पर बॉलिंग पिच है कि फील्डिंग पिच है कि बैटिंग क्या, उससे फर्क नहीं पड़ता था, शुरू में जाके ताबड़तोड़ रन बनाते थे। लखनऊ सुपर जायंट के साथ भी मैच हुआ था, ऐसा लग रहा था बारिश हुई थी, मैं खुद हैदराबाद मैच देखने के लिए गया था, वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि हाँ ज़्यादा स्कोर नहीं होगा, लखनऊ सुपर जायंट ने 163 रन के आसपास स्कोर बनाया था, लेकिन अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने उसको 9.2 ओवर में ही मैच को खत्म कर दिया था लगभग में। तो क्या अब मेरे आपके हिसाब से क्या है वो बेस्ट ओपनर कौन हो सकते हैं भाई इस समय इंडिया में? यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा। यशस्वी जायसवाल अभिषेक शर्मा बेस्ट ओपनर इस समय हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे भाई ये उंगलियां भी उठ रही हैं कि हाँ अभिषेक शर्मा का क्यों नहीं चयन किया गया, इसके बारे में बता सकते हैं? हाँ कि उनका सिलेक्शन उनको क्यों नहीं ले गई बीसीसीआई, ऐसा क्या था? जिम्बाब्वे भी गए थे, वहाँ पर जिम्बाब्वे में शतक भी लगाया था अभिषेक शर्मा, तेजी के साथ खेले भी थे, न ले जाने के पीछे कारण क्या हो सकता है? ये हो सकता है लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, राहुल द्रविड़ थे, राहुल द्रविड़ चले गए, गौतम गंभीर को कोच बनाया गया, इससे क्या फर्क पड़ता है? गौतम गंभीर इसके पहले 2022-23 में लखनऊ सुपर जायंट के मेंटर थे, उसके बाद शाहरुख खान ने उनको ऑफर दिया था तो उसको छोड़कर वो चले गए थे कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ, ठीक है ना, दो साल वहाँ पर काम किया, एक साल इसमें काम किया KKR में, तीन साल, लेकिन तीन साल काम करने के बाद श्रीलंका टीम लेकर गए हैं तो कहीं ना कहीं अपने 5 प्लेयर लेकर गए हैं, जैसे मान लो टी20 भी होने जा रहा है, ODI भी होने जा रहा है, रिंकू सिंह को लेकर गए हैं, श्रेयस अय्यर को लेकर गए हैं, हर्षित राणा को लेकर गए हैं, 3 प्लेयर तो कोलकाता नाइट राइडर्स लेके गए हैं, ठीक है ना, 2 प्लेयर लखनऊ सुपर जायंट के लेके गए हैं, ODI के लिए रवि बिश्नोई को भी लेकर गए हैं, KL राहुल को भी लेकर गए हैं, तो क्या इससे वे फर्क पड़ता है कि कोच अपने फेवरेट जो प्लेयर होते हैं या जिनके साथ वो ज़्यादा खेले रहते हैं, जिनको ज़्यादा ट्रेन किए रहते हैं, उनको प्राथमिकता देते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, कुल मिला के अच्छी परफॉर्मेंस से लेकर जाते हैं प्लेयर को। ऋतुराज गायकवाड़ को क्या जैसे रियान प्रयाग को ले गया वहाँ पर लेकर गए हैं, रियान प्रयाग की जगह पर क्या ऋतुराज गायकवाड़ को ले जा सकते हैं? जैसे ऋतुराज गायकवाड़ भाई बेस्ट किया था जिम्बाब्वे में किया था भाई, उसके बाद IPL में अच्छा किया था, और महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने उनको रणजी ट्रॉफी का कप्तान भी बना दिया है, तो क्या रियान प्रयाग की जगह पर ऋतुराज गायकवाड़ बेस्ट ऑप्शन हो सकते थे? रियान प्रयाग बेस्ट है मेरे हिसाब से, रियान प्रयाग का ये चौथा टी20 है फिलहाल, बल्कि ऋतुराज गायकवाड़ के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, आपके हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ को होना चाहिए? ऋतुराज गायकवाड़ को होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़, ऋतुराज गायकवाड़ को बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए, वही डिसर्व भी करता है परफॉर्मेंस देख के, सब चीज़ देख कर। श्रीलंकाई टीम में भी वहाँ पर कोच चेंज हो गए हैं, कप्तान भी चेंज हो गए हैं, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका सुपर 8 में भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी,
तो वहाँ पर जो कोच बना दिया गया सनत जयसूर्या को वहाँ का कोच बना दिया गया। सनत जयसूर्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं, श्रीलंका ने 1996 में ODI का वर्ल्ड कप जीता था, तो वहाँ पर भाई मेन रोल था सनत जयसूर्या का। युवा थे, बहुत अच्छी बैटिंग करते थे भाई, स्पिन बॉलिंग भी करते थे। सनत जयसूर्या को कमान दिया गया एज ए हेड कोच, तो हमें लगता है श्रीलंका की टीम अब शायद अच्छा करे, परफॉर्मेंस करे। हसरंगा इसके पहले कप्तान थे, उसको जाके हटाकर अब उनको कप्तानी हटा दिया गया है, अब श्रीलंका के कप्तान बना दिए गए हैं। कौन बना दिया आपको नाम याद है? हाँ, असलंका को वहाँ पर कप्तान बना दिया गया, वहाँ पर चेंज कर दिया गया। श्रीलंकाई टीम एक ऐसी टीम थी पहले, जब मुथैया मुरलीधरन, मनवर आटापट्टू, महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा, सनत जयसूर्या सब खेलते थे, तो ऐसा लगता था कि हाँ श्रीलंकाई टीम कोई है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम कांपती थी, बहुत अच्छा मैच। अब आज के समय में ऐसा हो गया, श्रीलंका टीम में जो आज T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है 11, उसमें 15 सदस्यीय टीम में तो 7 ऐसे प्लेयर हैं जो पहली बार डेब्यू करने के लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं श्रीलंका तो भाई भटक रही है अपने वो संघर्ष से जो उनका जो जिसके लिए जानी जाती थी। क्रिकेट है भाई, हराने को कोई भी हरा सकता है, लेकिन श्रीलंका का जो स्तर है, श्रीलंका एक समय ऐसा रहता है जैसे 2003 का वर्ल्ड कप हुआ था और 7 का हुआ था, जिसमें सेमीफाइनल खेलती थी, आज वो सुपर 8 तक नहीं पहुँच पा रही है। तो इसका पहले की टीम में अब टीम में क्या डिफरेंट हो गया है? पहली बात तो खराब मैनेजमेंट खराब। मथीस पथिराना को कोई नहीं जानता था कि हाँ किस तरह के बॉलर है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग में जब वो आए थे उनको कैसे यूज करना है, धोनी ने उनको ऐसे यूज किया था, उनके अंदर हुनर भी है डेथ के ओवर के, किस तरह से जैसे जैसे जसप्रीत बुमराह हो गए, उसी तरह मथीस पथिराना भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, मलिंगा जैसा बॉलिंग करते हैं, तो उनको एक बॉलर मिल गया है। बाकी आज का मैच वैसे टीम में बता दे, वैसे आज के प्लेयर आज कौन कौन खेल सकता है आपके हिसाब से? हाँ कि ये प्लेयर हो सकते हैं आपके साथ, खलील अहमद, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप, थोड़ा सिराज के ऊपर ये डाउट है कि हाँ चोटी नहीं खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं। रवि बिश्नोई और वाशिंगटन सुंदर, दो में कौन से अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं? रवि बिश्नोई अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। रवि बिश्नोई गुगली अच्छी फेंकते हैं लखनऊ सुपर जाने के लिए। अच्छा, ये अगले साल मेगा ऑक्शन हो जा रहा है, चलिए ठीक है, आज के मैच के बारे में तो बात हो गई, अब IPL के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना? IPL भी बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, हम सब तो भाई लखनऊ सुपर जायंट के फैन हैं, क्योंकि इसके पहले हम सब भाई दिल्ली कैपिटल के फैन हुआ करते थे, क्योंकि हमारी UP की टीम नहीं थी तो भाई पड़ोसी था दिल्ली, इसलिए सब दिल्ली को सपोर्ट करते थे। वैसे जो प्लेयर अच्छा खेलता है उसको हम सब तो सपोर्ट करते हैं, चाहे कोहली हो, चाहे धोनी हो, चाहे रोहित हो, कोई भी प्लेयर हो, लेकिन अगर ये बात आती है भाई कि हाँ फेवरेट टीम कौन सी है, तो ये तो अब तो अगले साल मेगा ऑप्शन होने जा रहा है। क्या प्लेयर चेंज होने से टीम में प्रभाव पड़ता है इसका? बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। देखो IPL में 4 प्लेयर ऐसे रहते हैं जो एज ए टीम बना के रखती है कि हाँ 4 प्लेयर फिक्स रहते हैं, 4 प्लेयर को रिटेन करती है, बाकी के अलावा BCCI जो IPL के फ्रेंचाइजी के जो मालिक हैं वो चाह रहे हैं कम से कम 8 प्लेयर रिटेन किए जाएं। जैसे मान लो 4 ही प्लेयर हैं, तो ऐसे लखनऊ सुपर जायंट में कौन से प्लेयर हैं जो आप बताइए? लखनऊ सुपर जायंट का आप तो तगड़े फैन हैं, ये बताइए कौन कौन से प्लेयर को लखनऊ सुपर जायंट को रिटेन करना चाहिए? KL राहुल को पहली बात तो रखना चाहिए। KL राहुल हो गए, रवि बिश्नोई हैं, और मार्कस स्टोनिस, निकोलस पूरन, अब 3-4 तो प्लेयर हैं और हैं, लेकिन अब चार प्लेयर तो एकदम सॉलिड प्लेयर हैं। मयंक यादव को जरूर वैसे भाई आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है एज ए मतलब कि अभी करंट टाइम में KL राहुल है, सबसे फेवरेट KL राहुल का भाई प्रदीप भाई KL राहुल के जबरे फैन है। ये लोग बोल रहे हैं कि KL राहुल लखनऊ सुपर जायंट छोड़ देंगे, क्या छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? नहीं मुझे तो नहीं लगता। अब देखो वो तो संजीव गोयनका जो उनके हेड कोच मालिक हैं, उनका बयान, क्योंकि वो जो जिस तरह वो झल्ला गए थे उस मैच में, जिस मैच में 263 कितना बना था ना, 163 रन नहीं, 200 बहुत ढेर सारे रन बन गए, 283 या 87 बन गए। वो मैच में देखने के लिए गया था हैदराबाद में, मैं खुद था, वो 163 रन बना था जिसमें 9.6 कुछ ओवर मैच खत्म कर दिया था, तो मैच खत्म होने के बाद वो हाँ थोड़ा क्या बोल गए थे कि हाँ या क्या इस तरह से मैच होता है, ऐसे बयान कि आपके बॉलर क्या कर रहे हैं, कि आप एक भी मैच खेलिए, ऐसा नहीं हार जीत तो लगा ही रहता है, लेकिन आपके बॉलर क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा कहा सुनी हुई थी फिर, लेकिन अगले मैच में तो भाई साथ में बैठ के खाना खाए थे पूरा, जब मीडिया बाजी हो गया था, ये हो गया था। जो कोच है, जो मतलब कि लखनऊ सुपर जॉइंट के जो कोच हैं, वो KL राहुल को बहुत पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है फिर से KL राहुल ही कप्तान बनेंगे। KL राहुल कप्तान बने रहेंगे भाई, उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं ना। देखो 4 प्लेयर रिटेन करना है, ऋषभ पंत ने दिल्ली कैपिटल छोड़ दिया है, हाँ दिल्ली कैपिटल छोड़ दिया है, वो दिल्ली कैपिटल छोड़ के जा रहे हैं। ये बताइए कि दिल्ली कैपिटल छोड़ कर वो RCB में उन्हें जाना चाहिए कि चेन्नई में जाना चाहिए, या किस टीम में उन्हें जाना चाहिए? सब लोग चेन्नई में जाना चाहिए उनको। आपको किस में? चेन्नई में जाना चाहिए ऋषभ पंत को। मेरे हिसाब से वो बैंगलोर में जाना चाहिए, कोहली भैया के साथ रहना चाहिए, कोहली भैया के साथ। ऋषभ पंत MS धोनी को गुरु मानते हैं, और उनके साथ अगर ये है कि चेन्नई सुपर किंग में अभी बहुत सारे लोग चाहते भी हैं ऋषभ पंत को,
क्या इसकी वजह तो नहीं है कि हाँ ऋषभ पंत चेन्नई सुपर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये लगा रहा है कि हाँ कि वहीं जा सकते हैं? मेरे हिसाब से तो धोनी भैया हो सकता है ये वाला आईपीएल ना खेलें, ऐसा लग रहा है। अगर खेल जाते हैं तो उनकी फिटनेस है। नहीं खेलेंगे, ऐसा नहीं खेलेंगे, कम मैच खेलेंगे वो अलग बात है, लेकिन अभी खेलेंगे क्योंकि एम एस धोनी जब बैटिंग पर उतरते हैं तो ऐड आना ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अब थाला फॉर रीजन, तो थाला फॉर रीजन। मैं खुद यार लखनऊ सुपर जायंट का तगड़ा फैन हूँ, लेकिन जब मैं एलएससी का मैच देख रहा तो भाई मैं भी एम एस धोनी का टी शर्ट पहनने के लिए 7 नंबर मजबूर हो गया था। तो हाँ धोनी मैच खेलेंगे ऐसा नहीं है, फिलहाल कम मैच खेलेंगे वो अलग बात है। बाकी एम एस धोनी के साथ एक तरह देखा जाए, देखो सोशल मीडिया पर जो पॉपुलरिटी रहती है उस हिसाब से भाई विराट कोहली की पॉपुलरिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप स्टेडियम में जाते हैं मैच देखने के लिए, फिर वहाँ पर मुझे भाई एम एस धोनी की पॉपुलरिटी दिखती है, क्योंकि चाहे जहाँ स्टेडियम अगर धोनी चेन्नई का मैच हो रहा हो तो वहाँ पर आपको बैठने की जगह, चेन्नई आरसीबी दोनों हाईटेक मुकाबले होते रहते हैं, लेकिन भाई अगर चेन्नई का मैच हो रहा है तो वहाँ पर आपको पीली जर्सी ज़्यादा दिखेगी। वैसे आपके हिसाब से आरसीबी में कौन से प्लेयर होने चाहिए, कहाँ के आरसीबी में ये प्लेयर को रिटेन करना चाहिए? एक फॉफ, विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल। बिल जैक्स भी ठीक है, लेकिन अब वो तो बाद में वो लोग। वैसे आपके साथ मुंबई इंडियंस से बताओ भाई, शिवम भाई आप बताइए मुंबई इंडियंस में 4 प्लेयर किसको रिटेन करना चाहिए? सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा को। ईशान किशन को नहीं रखोगे उसको? ये भी कयास लगाया जा रहा है कि हाँ हार्दिक पांड्या की जगह पर रोहित शर्मा दोबारा कप्तान हो सकते हैं, क्या ये सही रहेगा गलत रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। जैसे कप्तान नहीं बनाते हैं रोहित शर्मा को, तो क्या मुंबई के साथ खेलना चाहिए कि अदर टीम में छोड़कर जाकर उन्हें एज ए कप्तान ज्वाइन कर लेना चाहिए? मुंबई इतने साल खेले हैं, मुंबई तो रोहित शर्मा के दिल से लगा हुआ है, इसलिए हमें लगता है कि वो मुंबई से खेलने के बजाय वो खेलना है तो एज ए प्लेयर ही खेलने, कोई दिक्कत नहीं, एज ए प्लेयर ही खेलेंगे। मुझे लगता है कि वो खेलना तो मुंबई से पसंद करेंगे, वरना ना ही खेलना पसंद करेंगे। वैसे केकेआर के आपके साथ केकेआर में कौन सी टीम आप रिटेन कर सको, कौन से प्लेयर ऐसे हैं कि प्लेयर केकेआर में? एक आंद्रे रसल, दूसरा सुनील नारायण, तीसरा श्रेयस अय्यर हो गया, और चौथा अगर बॉलर देखा जाए तो मिशेल स्टार्क। कल वैसे गुजरात टाइटंस टीम सुनाई दे रहा है कि हाँ आदित्य बिरला उसको खरीदने वाली है, और उसमें गुजरात टाइटंस के अब के नए मेंटर युवराज सिंह होने वाले हैं। अभी तक तो आशीष नेहरा उसके हेड कोच थे, अब तो चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब सुनाई दे रहा है कि युवराज सिंह गुजरात टाइटंस को संभालने वाले हैं। गुजरात टाइटंस में कोई अच्छा प्लेयर उस तरह से प्लेयर है, लेकिन एज ए कप्तान सुमन गिल देखा गया था, जिस तरह से अभी उतना ज़्यादा मैच्योर है नहीं फिलहाल। जैसे पंजाब किंग्स की टीम भी शिखर धवन हो सकता है इस बार कप्तानी हट जाए, क्योंकि वो ज़्यादातर चोटिल ही रहते थे, और इसकी वजह से पंजाब किंग्स की भी टीम इधर से उधर हो गई। राजस्थान रॉयल्स से अंत तक लग रहा था कि हाँ ये फाइनल जीतेगी, लेकिन जाके सेमीफाइनल से डगमगा गई थी। तो ऐसे 4 प्लेयर ऐसे कौन से होने चाहिए जिन्हें बचा के रखना चाहिए? क्योंकि संजू सैमसन तो रहेंगे उसमें नो डाउट, क्योंकि शुरू से जब से वो आईपीएल खेल रहे हैं उधर से ही खेल रहे हैं राजस्थान रॉयल्स, एज पुराने खिलाड़ी हो गए हैं, रहने वाले हैं तो केरल के, लेकिन उनके फैन जितना यहाँ पर हैं उससे ज़्यादा केरल में भी हैं। अदर दो समझो कि दो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, संजू सैमसन रहेंगे साथ में। 3 प्लेयर ऐसे कौन से होने चाहिए कि हाँ जोस बटलर? पहली बात तो हाँ जोस बटलर है, और आवेश खान है। आवेश खान फर्स्ट बॉलर, यार्कर बढ़िया मारता है, बॉलिंग बहुत अच्छी करता है आवेश खान। हाँ पहले ये लखनऊ में भी थे, और रियान पराग भी है, रियान पराग अच्छी बॉलिंग करते हैं। उसने लगभग 4 मैच बीच में मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए मैच जिताया अब की बार। चलिए ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ भाई इन सभी के, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कि फेवरेट बॉलर, फेवरेट बैट्समैन, फेवरेट कोच कौन से हैं। जो प्लेयर अच्छा खेल गया वो अच्छा है, बाकी लेकिन एक होता है ना, हाँ यार इसको मैं, इससे मैं मिलना चाहता हूँ लाइफ में, अगर मिल जाए इसके साथ मैं एक सेल्फी लेना चाहता हूँ, ये मेरा बेस्ट है, या इसको खेलते हुए वो किसी भी कंट्री का हो सकता है। चलिए भाई पहले कुलदीप भाई बताइए आपका फेवरेट बैट्समैन, बॉलर और फील्डर कौन सा है? मेरा फेवरेट बैट्समैन एम एस धोनी, और फेवरेट बॉलर देखा जाए तो मोहम्मद शमी फेवरेट बॉलर है। अभी राहुल द्रविड़ जिस तरह से कोचिंग किए थे, 2023 में भी वर्ल्ड कप फाइनल गए हैं और 24 में वर्ल्ड कप जीते हैं, तो फेवरेट कोच देखा जाए तो राहुल द्रविड़ आपके हैं। आपके हिसाब से भाई शिवम भाई को क्रिकेट का शांति से बैठे हुए, लेकिन शिवम भाई क्रिकेट का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। शिवम भाई बताइए आपके फेवरेट भाई? रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह। हमें लगता है मुंबई इंडियंस का मतलब तगड़े फैन हो लगे। आपके हिसाब से भाई? मैं तो भाई किंग कोहली का फैन हूँ। पहले किंग कोहली का फैन तो सभी है भाई। वैसे बॉलिंग में मेरे हिसाब से इस समय अर्शदीप है। मैं अर्शदीप को उसके यार्कर मुझे बहुत पसंद बहुत है। पहली बात तो बहुत बढ़िया यार्कर मारता है। अगर वर्ल्ड कप जीतने का हक है जितना बुमराह को है उतना अर्शदीप को है। देखो बुमराह तो भाई सभी का फेवरेट है, वो तो जाहिर सी बात है, वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर है,
उसके अलावा अगर किसी कोई लाइक कर रहा है तो हाँ इसका लगता है कि हाँ उसने टीम के लिए कंट्री के लिए कुछ किया है, आपके हिसाब से प्रदीप भाई आपका बेस्ट? देखिए मेरा बेस्ट बॉलर है जसप्रीत बुमराह, और जो बैट्समैन की बात करी जाए तो केएल राहुल हैं। केएल राहुल को आप लाइक करते हैं? लाइक करते हैं। देखो केएल राहुल के बहुत फैन है, मैं तो भाई पहले केएल राहुल को हल्के में लेता था। मैं गया था हैदराबाद जब वहाँ पर मैच देखने के लिए, तो वहाँ पर भाई एक तो बेंगलुरु के रहने वाले हैं केएल राहुल साउथ के, उसके बाद हैदराबाद गया था तो वहाँ पर भाई एक नंबर की जर्सी पहन के बहुत सारे लोग वहाँ पर मैच देखने के लिए, बहुत सारे लोग, तो भाई मैं सोचा कि हाँ भाई क्या वहाँ के लोकल हैदराबादी लोग भाई केएल राहुल की टी शर्ट पहने थे, तो मैंने कहा यार केएल राहुल कितना ज़्यादा क्रेज है, और केएल राहुल के वहाँ पर जो साउथ इंडिया में वो डिमांड कर रहे हैं कि आके अपने होम टीम में आरसीबी में खेलें जो पहले खेलते थे। बाकी चलिए भाई यार सबसे आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है आप मुझे जाके कमेंट करिए। ये हमारा फर्स्ट मीटअप था मेरी लाइफ का, ये प्रयागराज में मैं आया, मुझे बहुत अच्छा लगा यार, और भाई सबसे मिलकर भाई बहुत अच्छा लगा, आप सभी ने मेरा साथ देने के लिए यहाँ पर आए, लगभग अभी 4-5 ही लोग आए भाई, एक लोग तो बैठे हैं हमारा कैमरा लेके बैठ गए हैं, बाकी शिवम भाई उधर बैठ गए हैं, चलिए कोई बात नहीं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और इसके बाद आप मुझे किस अपने ज़िले में बुलाना चाहते हैं आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके ज़िले में आने वाला हूँ, हमारी आपसे मुलाकात होगी, मैं आपको जानूंगा आप मुझे जानेंगे, व्यक्तिगत रूप से क्रिकेट के बारे में बातें होंगी। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पर सपोर्ट करते रहिए, पंकज गाँव वाला मेरा पेज है, बाकी यूट्यूब चैनल है पंकज गाँव वाला, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, और मेरा एक क्रिकेट का और चैनल है क्रिकेट विद पंकज, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए।